देखो यहाँ पर ध्यान से जनरल एंट्री तो हम कर दिए, इसका लेजर समझो। लेजर का क्या फॉर्म है? दो ही लेजर इसमें बनाने सिखाते हैं, कौन कौन? कैश और बैंक। बता इधर क्या होता है? इतना दूर डेबिट, कितना दूर है? एक दो तीन चार कॉलम तक ना। क्या आप लिखते हैं यहाँ पर? डेट पार्टिकुलर जे एफ जर्नल फोलियो, ठीक है। लेजर में ना सुनो ध्यान से, लेजर में जर्नल का फोलियो, जर्नल में लेजर का, याद रखना है। और जेएफ का भी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर। फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, अमाउंट, ठीक है। इतना दूर को डेबिट बोलते हैं, इतना दूर को क्या बोलते हैं, और फिर इतना दूर को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। डेट पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। इधर कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा, सुनो, इधर कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो टू से, इधर कुछ भी लिखेंगे तो बाई से, ठीक है, एकदम फिक्स है ये। 12th क्लास में भी जरूरत पड़ेगा। अब समझो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हम लोग कौन अकाउंट बना रहे हैं? कैश। कौन अकाउंट बना रहे हैं? कैश। तो सिर्फ देखना कि पूरा ट्रांजेक्शन में कैश कहाँ कहाँ पर है। तो देखो कैश कहाँ? डेबिट में है ना, डेबिट में रहेगा तो डेबिट में ही लिखना, समझो। डेबिट में रहेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में, लेकिन नाम ऑपोजिट लिखना। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, कितना है? 20,000। कैश के सामने वाला अमाउंट लिखना, ठीक। उसके बाद देखो यहां पर कैश कहां पर है? क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? डेबिट वाला। तो क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है? 10,000, ठीक है। तुम ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें चेक नहीं, इसमें मतलब कैश तो नहीं है, इसको एंट्री को छोड़ देंगे। फिर देखो इसमें भी कैश नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है, फिर यहाँ पर कैश है 10 तारीख को। कहाँ पर है? 10 को। तो डेबिट में, तो डेबिट में आ जाओ। और टू देखो डेबिट में है, लेकिन डेबिट वाला ही लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट, ये पोस्टिंग बोलते हैं इसको, जो यहां से उठा के यहां पर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। कितना था? 500 रुपए था ना। तो आराम से लिखना सजा के, अच्छा से, इन्हें की 500 इधर से लिख देना। इसके बाद बताओ फिर कैश कहां पर है? 15 तारीख को है, डेबिट में ही है, तो डेबिट में लिखेंगे टू कौन अकाउंट? बैंक, ठीक। कितना? 500। उसके बाद देखो फिर कैश कहां पर है? फिर कैश नहीं है, बस हम लोग इतना ही लास्ट है। देखो सुनो, पिछला क्लास में देखो लड़का क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हम लोग गलती नहीं करेंगे। जोड़ दो 21,000, इधर भी कितना आना चाहिए? 21,000 आना चाहिए, ठीक है। इधर भी कितना आना चाहिए? 21,000। जनवरी का लास्ट डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन सीडी 11,000 है आंसर, ठीक है। तो समझो यहां पर एक चीज और हम बताते हैं, ये दोनों लाइन एकदम बराबर में देना। एक कहां लास्ट हुआ, एक ये नहीं कि एक यहां दे देंगे, एक यहां खत्म हुआ तो यहां दे देंगे, नहीं। स्केल का एक दो लाइन इधर भी छोड़ देंगे, एक दो लाइन इधर भी छोड़ देंगे, और अच्छा से लाइन दे देंगे, ठीक है। जगह रहेगा दो चार लाइन तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो डॉट डॉट लगा रहे, ये लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे हम, लगा रहे तुम लोग, लगाने जरूरत नहीं है। ये लाइन में हम लोग को कुछ नहीं लिखना है। अब इस लाइन के नीचे में उल्टा, जिधर सीडी आया है ना उसका उल्टा साइड, उसका अगला डेट में टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब बैलेंस को आगे लेकर आना, 11,000 रुपये लिख के छोड़ देंगे। देखो कहाँ लिखे, लेकिन वो कैसे बनाया था देखा था ना पिछला क्लास में, वो सब सीडी को इसमें लिख दिया था, बीडी को भी इसमें लिख दिया था, ठीक। तो सबसे पहले पोस्टिंग करने समझ जाओ, पोस्टिंग तो एकदम आसान है। अभी ज्यादा रहता डेबिट वाला डेबिट में पहले लिख लेते, क्रेडिट वाला क्रेडिट में पहले लिख लेते, लेकिन बताना था। उसके बाद बैंक देखो, ठीक है। तो बैंक जो जो डेबिट में होगा तो लोग फिर से फॉर्मेट दे देना, डेट पार्टिकुलर एलएफ जेएफ अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर, बार बार होता है, यानी कि एक ही बार लाइन दे दिए पूरा पेज में, बीच बीच में लिखते चलेंगे, नहीं फिर गैप रहेगा, देख लो पीछे बुक में भी। अब बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको तो दूसरा तरीका से बना देते हैं। बैंक जो जो डेबिट में, पहले डेबिट वाला लिख लेते हैं, फिर किसका लिख लेते हैं? क्रेडिट वाला। देखो बैंक कहाँ? डेबिट में है ना, 2 तारीख को, जनवरी 2 को बैंक डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है? बैंक के सामने अमाउंट बैठाना,
10,000 कितना? फिर देखो बैंक कहाँ डेबिट हुई, यहाँ पर है ना 4 तारीख को, ठीक है, क्या है टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है, कितना है 1,000 रुपये, है ना। उसके बाद देखो फिर बैंक कहाँ डेबिट में, यहाँ पर डेबिट में है ना, देखो यहाँ पर डेबिट है ना 7 तारीख को, टू करण, टू करण कितना है 960 रुपये। फिर देखो बैंक कहाँ डेबिट में, यहाँ पर है ना टू इंटरेस्ट, कितना तारीख को टू इंटरेस्ट, 31 तारीख को है 100 रुपया, कितना है। फिर देखो अब आ जाओ डेबिट वाला सब कर दिए, इस तरह भी बना सकता है अगर जनरल रहेगा तो। अब सब क्रेडिट वाला लिखो, देखो बैंक यहाँ पर है ना डायरेक्ट 5 तारीख को, तो जनवरी 5 को बाय, देखो क्या है श्याम है ना, बाय श्याम कितना अमाउंट है 370, ठीक है। फिर बैंक कहाँ पर देखो क्रेडिट में, यहाँ पर है ना बाय कैश 15 तारीख को, बाय तो पोस्टिंग आसान है क्या, ये बैलेंसिंग निकालने में ही तुम लोग का दिक्कत होता है, कितना हो जाएगा 500 रुपया। फिर बैंक देखो क्रेडिट में है बाय हरी, बाय हरी कितना 1,000। उसके बाद फिर देखो टू बैंक यहाँ पर है क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे नाम डेबिट वाला, बाय कमीशन, बाय कितना रुपया है 200। अब देखो किधर ज्यादा लग रहा है डेबिट की क्रेडिट, ठीक है। देखो एक चीज में बताने भूल गए थे, जिधर ज्यादा है तो वही टोटल दोनों साइड लिखाता है, इसमें भी देख लो डेबिट साइड ही ज्यादा लग रहा है ना, डबल लाइन देना, डबल लाइन देना मतलब अकाउंट क्लोज हो गया, जोड़ो 10 और 1 11,160 रुपया, 12,060 रुपया ना, 12,060 रुपया इधर भी आना चाहिए, 12,000 कितना रुपया 60 रुपये, जो कम हो रहा है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ कितना आएगा 9,000, माइनस कर देना सब आएगा 9,990, ठीक है। इसी को सीडी को जनवरी के बाद फरवरी में कर देंगे टू बैलेंस बीडी 9990, ठीक है। तो लेजर का ही रूल है, जो ज्यादा अगर ज्यादा इधर रहता तो इधर दोनों के लिए सीडी इधर आता, ठीक है, इधर जिधर कम रहेगा उधर याद रखना सीडी लिखाता है, जिधर भी कम रहेगा इधर कम रहेगा तो इधर सीडी लिखाएगा, उधर कम रहेगा तो हम लोग को सीडी याद रखना बीडी नहीं, तो बीडी उसका अपोजिट हो जाएगा,